ज़्यादातर बच्चे जो हैं आज अपने मम्मी पापा के साथ जो हैं वो कटाई का सीज़न है। गेहूं की कटाई जोरों पे चल रही है। गरीब व्यक्ति के लिए पूरे साल भर के लिए गेहूं इकट्ठा करना, रोटी के लिए गेहूं अनाज जुटाना ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल को हल करने के लिए उनका पूरा परिवार इसमें कार्य में जुटता है। परिवार में यदि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई भी बीमार हो, बुजुर्ग, उन सब परिस्थितियों के बावजूद ज़्यादातर लोग जो है वो खेतों में हैं। और ऐसे में जो बच्चे हैं जब वो स्कूल में आते हैं अगले दिन ये काम करने के बाद, तो स्वाभाविक है उनके ऊपर उस बात का असर रहता है। और इतनी भयानक गर्मी है कि जब हम घर से बाहर निकलने की बात नहीं सोच रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में जब बच्चा बाहर काम करता है तो उस पर क्या विपरीत होगी। गेहूं कटाई के सीजन में अपने बचपन की स्मृतियों को याद करना चाहेंगे? बचपन में जो गेहूं कटाई का सीज़न है वो बहुत हार्ड, तोड़ मेहनत करने वाला सीज़न है। बचपन में जब छोटे होते थे तो पूरी की पूरी जो फसल है गेहूं की वो खुद काटा करते थे। और ऊपर से गर्मी पड़ती थी, नीचे से ज़मीन तपती थी, तो ऐसे में जब धूप में खड़ा हो पाना भी मुश्किल होता था। और जब गेहूं कटाई करते हैं तो ऊपर से भी गर्मी और नीचे से भी गर्मी, और साथ में गेहूं काटते हुए एक धूल उठती है, वो धूल जो है वो सारी वो नाक के जरिए वो अंदर पहुंचती थी। और जैसे तैसे सीजन तो निपटा लेते थे, लेकिन अक्सर यही होता था कि सीजन के बीच में ही या फिर सीजन के बाद परिवार का कोई ना कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार हो जाता था। इसकी हमेशा अनदेखी होती है, इस काम की आड़तोड़ मेहनत होती है। उसके बाद जो गेहूं काटने के बाद उसका जो तुड़ी है, जिसको हमारे यहाँ भूस के नाम से जानते हैं, उसको समेटना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। जब उसको पलियों में बांधते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वो काम भी बहुत कठिन काम है, कोई आसान कार्य नहीं है। और फिर उसको एक कूप के रूप में जो है इकट्ठा एक जगह करना, या फिर घर में जो खाली मकान है पशुओं के पास बना हुआ, उसके अंदर भूस को डालना, और ये इतना कठिन कार्य है कि इसमें कई बार सांस रुकने का भी खतरा पैदा हो जाता था। अंदर जैसे घर में बाहर से कुछ लोग जो है गड्डी से, बुग्गी से पल्ली लेके आते थे और वो अंदर फेंकते थे, एक आदमी की जिम्मेदारी अंदर उसको खोलने की होती थी पल्ली, और जो अंदर होता था वो पसीने में तरबतर, और ऊपर से ये इसकी जो है कांटी, भूस की रिण जिसको आमतौर पे कहते हैं, ये पूरी बदन को मतलब चीर देती थी। और उसके अंदर इतनी गर्मी, इतनी उमस होती थी कि कई बार प्राण सूख जाते थे। तो ये तमाम काम जो है, ये किसान के, मजदूर के जो काम हैं, ये कहीं नज़र नहीं आते। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी बड़ी खुशी होती थी जब मंडी में गेहूं जाती थी और उसके बाद घर में कोई एक ठंडा या कोई फल उसके बाद आता था, तो सारा परिवार जैसे पता नहीं उनको क्या चीज़ मिल गई, इस तरह से मतलब उसको इंजॉय करते थे। तो ये देखिए कि कितनी मेहनत थी, उस मेहनत में परिवार का प्रत्येक सदस्य किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता था। यदि परिवार में कोई छोटा बच्चा है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी होती थी पानी लेके आने की। गर्मी निस्संदेह बहुत होती है और उसमें बार बार प्यास लगती है, और पानी का जो प्रबंध है खेतों में वो आसपास नहीं मिलता था, दूर दराज से पानी लेके आना पड़ता था। और जो पानी लाने वाला व्यक्ति होता था वो भी पानी लेकर आते आते थक जाता था, वो भी परेशान हो जाता था। और अक्सर मेरे साथ तो ये होता था कि मेरा शरीर बहुत नाजुक था, कमज़ोर था, बीमार रहने की वजह से शुरू से ही बचपन से बीमार था, और उस वजह से मैं काम करने की स्थिति में नहीं होता था।
और बहुत गर्मी होती थी तो मैं कटाई करते करते बीच में ही वो जो दांती जिसे हम दरांती से काटते थे वो मैं फेंक के भाग जाता था और जाके फिर मैं पेड़ की छाया में बैठ जाता था। और ऐसा जब मैं करता था मेरे पिताजी को बहुत गुस्सा आता था, और मेरे पिताजी जो थे वो बड़े तलख मिजाज थे और हमेशा जो है वो डंडे से थप्पड़ से या जूते से ही काम लिया करते थे। उनको लगता था भी ये काम नहीं करना चाहता था, वास्तव में मेरा शरीर जो है वो काम करने की स्थिति में नहीं था। तो इस काम में हमारे पूरे परिवार, हमारा पूरा परिवार ही नहीं पूरे देश के जो मेहनतकश लोग हैं वो इसी तरह से आज भी जो है वो कार्य करते हैं। मशीन आ जाने के बावजूद भी आम आदमी, क्योंकि अब बड़े क्षेत्र पे जो है गेहूँ की फसल होने लगी, कुछ फसल जो है मशीनों से कटवा दी जाती है कंबाइन वगैरह से, लेकिन फिर भी जो आम आदमी है, जो आम मजदूर है, वो तो आज भी दराती से कटाई करता है। आप ये देखिए पूरे खेत के अंदर बैठे बैठे जो है वो बैठे बैठे पूरे खेत को में घूमना, प्रत्येक हिस्से में घूमना उस आदमी के लिए कितना कठिन होगा। और नीचे से जो गेहूँ कट जाने के बाद जो नीचे उसका एक हिस्सा बच जाता है जिसको आमतौर पर खोबा हम कहते हैं, और वो खोबे ये होता था कि भाई आप नई चप्पल पहन के चले गए, वो नई चप्पल जो है एक या दो दिन में नीचे से वो साफ़ हो जाती थी। और कई बार इतना हार्ड खोबा होता था गेहूँ का, वो निकल के सीधा चप्पल में से और पैर में को भी जो है वो घायल कर देता था। तो ये मेहनत जो है, और इसीलिए किसान मतलब जो है वो बहुत हार्ड होता है, मजबूत होता है, और मजदूर भी। और इसके बाद क्या होता है कि जितनी मेहनत की जाती है उसके मुताबिक खुराक नहीं मिलती। अभी आप सीजन है, सीजन के बाद आप देखेंगे, अभी आप यहाँ सरकारी हॉस्पिटल्स में देख लीजिए, प्राइवेट में देख लीजिए, अभी मरीज की संख्या कम है, लेकिन जैसे ही ये सीजन ख़त्म होगा और आप देखना कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी। उसका सीधा सीधा कारण यही है कि जो मेहनत का आदमी है, जो मेहनत करता है, उसको वो खुराक नहीं मिलती। आमतौर पर अभी गाँव में कुछ लोग इस तरह से भी प्रस्तुत करते कि आम आदमी मेहनत करना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे मेहनत का आबादियों में 50% के करीब जो महिलाएं हैं वो भूल जाते हैं जब इस तरह का आरोप लगाते हैं कि भाई लोग मेहनत करना नहीं चाहते और वो दारू पीते हैं या अन्य व्यसनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल साफ तौर पर जानते हैं हम अपने समाज को कि जो हमारी महिलाएं हैं वो ऐसे व्यसनों का इस्तेमाल नहीं करती। वो एक एक पैसा संभाल के रखती हैं और उस पैसे से अपने परिवार के बच्चों का, अपना, अपने जीवन का जो है वो गुजारा करती हैं। तो ये जो स्थिति है कि भाई लोग काम नहीं करना चाहते, ये भी एक बहुत मतलब एक साजिश की तरह से ही आती है लोगों के बीच में। कितनी महिलाएं हैं जो सीजन ऑफ होने के बाद जो बीमार हो जाती हैं, उनके पास पैसे नहीं बचते। जो पैसा उन्होंने वहाँ से कमाया है, पैसा तो सीधे सीधे उनको नहीं मिलता। हो सकता है उनको तूड़ा मिल जाए, थोड़ा बहुत तूड़ी मिल जाएगी, भूसा मिल जाएगा, या फिर गेहूं हो जाएगी। और जब वो बीमार पड़ता है कोई परिवार का सदस्य, तो सरकार की कोई ऐसी योजना सीधे सीधे उनके पास नहीं पहुँचती जिससे वो अपना इलाज करा पाए। और फिर बीमारी के कारण वो जो संसाधन उन्होंने इकट्ठा किए हैं वो सारे संसाधन खप जाते हैं इस बीमारी में, और फिर वो वैसे के वैसे रहते हैं। तब उनको काम की ज़रूरत होती है, तो मनरेगा जैसी योजना जो है वो उसके सहारे बैठते हैं। और मनरेगा योजना में भी कितने दिन रोज़गार मिलता है वो भी एक स्थिति है। कई परिवार में ऐसा है हालात कि एक कमाने वाली महिला है, उसके बच्चे हैं, और यदि कोई बच्चा बीमार हो गया तो महिला काम पे नहीं जा सकती। यदि महिला बीमार होगी तो पूरा परिवार संकट में आ जाता है। ऐसे परिवारों के बच्चे हमारे पास स्कूल में आ रहे हैं। अब ऐसे बच्चों की जो स्थितियां हैं उन पे कोई भी बात करने वाला नहीं है। उनकी समस्याओं का समाधान पे कैसे हो इस पे चर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो विधवा महिलाएँ हैं और जिनके पास भूमिहीन हैं जो महिलाएं,
रोजगार का कोई उनके पास कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं है, तो ऐसी महिलाओं के जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी देखभाल का, उनकी मतलब कंटिन्यूटी का कि स्कूल में वो समय पे आए, लगातार आए, इन चीज़ों पे मतलब फोकस करने की जो ज़रूरत है, लेकिन इस तरह की कहीं इच्छा शक्ति हमें दिखाई नहीं पड़ती और ऐसा ना होने की वजह से वो बच्चे प्रभावित होते हैं, हमारा समाज प्रभावित होता है, आने वाली हमारी नस्ल जो है, हमारी पीढ़ी जो है, हमारा भविष्य वो कैसा होगा जब उन बच्चों की ये स्थितियाँ रहेगी। तो ऐसे में बच्चे, सारे बच्चे जुट जाते हैं। अभी मैं कितने ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो इस सीज़न में अपनी पढ़ाई बाधित करके वो कुल्फियाँ बेचने का काम कर रहे हैं। कितनी बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, वो लकड़ियाँ इकट्ठी करके लेके आती हैं, परिवार के जो है चूल्हा चूल्हा उनका जले, जब तक घर में लकड़ी नहीं होगी तब तक चूल्हा नहीं जल सकता। तो ऐसे में कितने हमारे आसपास बच्चे हैं, हम रोज़ देखते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान करने के प्रति हमारा समाज जो है वो संवेदनशील नहीं है। और ऐसे ही फिर वो जो है, ऐसे ही वो फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और फिर उसी तरह की वो खाई में पड़ जाते हैं। ये जो क्रम है ये लगातार मतलब जारी है। तो सीजन जो है वास्तव में बहुत बड़ा एक तरह से, तो इस तरह कहते हैं उत्सव की तरह से आता है, लेकिन ये इसमें जो है जो बड़ी जोत वाले लोग हैं उनको तो बहुत फ़ायदे होते हैं, उनके बड़े ज़मीनें हैं, उनके कहते हैं बड़ी हंडी की तो खुरचन खुरचन बहुत है, लेकिन जिनके पास थोड़ी ज़मीन है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनके लिए क्या सीजन है? उनके लिए तो मरने कटने का सीजन है ये, अपना अपना शरीर जो है वो वहाँ लगाते हैं, जूझते हैं, और जितना वो कार्य करते हैं उतना उनको नहीं मिलता।